बदतमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। प्रसाद मौर्य को तो अपने दिमाग को ठीक कराना पड़ेगा, वो वोट पटांग शब्द बोलते रहते हैं। कठों करने वाले देश के प्रधानमंत्री को ये बताया जा रहा है कि अगर पीडीए नहीं रहेगा तो देश नहीं बचेगा। बीजेपी सरकार ने एक चूहा घोटाला भी किया है और 70 लाख रुपए खर्च करके 169 चूहे पकड़े गए। समाजवादी पार्टी की पीडीए यात्रा एक बार फिर अखिलेश यादव साइकिल रैली करने को तैयार। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। अखिलेश यादव आज साइकिल यात्रा लखनऊ में निकाल रहे हैं, जिसको लेकर पार्टी कार्यकर्ता बहुत उत्सुक हैं, जोश में हैं। और आप तस्वीरें अगर देखेंगे, यहां साइकिल के साथ तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता सब पहुंचे हुए हैं। अगर इसको पढ़ेंगे आप, जातीय जनगणना हेतु समाजवादी पार्टी पीडीए यात्रा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम, यानी कि इन सभी की आवाज उठाने की कोशिश करी गई है। क्या मैसेज देने का प्रयास आप लोग इसकी तरफ? देश में पिछड़ा कठों करने वाले देश के प्रधानमंत्री को ये बताया जा रहा है कि अगर पीडीए नहीं रहेगा तो देश नहीं बचेगा। जिनके हितों पर कुठाराघात ये वर्तमान सरकार, चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो, कर रही है, जिससे पिछड़ा और गर्त में जा रहा है। आगे आने वाली पीढ़ी उसकी ना तो शिक्षा पाएगी ना रोजगार पाएगी। इस यात्रा के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पिछड़ा और दलित और जो उपेक्षित है, अल्पसंख्यक है, इसका हक और सम्मान दीजिए। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि कितनी भी साइकिल यात्रा निकाल लीजिए, 24 में आ नहीं पाए। केशव प्रसाद मौर्य को तो अपने दिमाग को ठीक कराना पड़ेगा, वो वोट पटांग शब्द बोलते रहते हैं। उनको एक सभ्य सीट पे है, सभ्य पद पे है, उनको उस हिसाब से बात रखना चाहिए, अपने पद की गरिमा बना के रखनी चाहिए। और केशव प्रसाद के ही एक नहीं, अनेकों आपको किस्से मिलेंगे जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, और उनके बयानबाजी में कोई दम और कोई दमखम नहीं है। साइकिल यात्रा से कुछ चेंज आएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी परोक्ष रूप से हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को, लोकतंत्र को और सामाजिक न्याय की व्यवस्था को ध्वस्त करके राजतंत्र स्थापित करने और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की जगह गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स, वी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड और मनुस्मृति के विधान को लागू करने के प्रयास में जुटी हुई है। और आज समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए की जो साइकिल यात्रा चली है, देखिए, देश में 87% आबादी जो है पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज की है, उस समाज को गोलबंद कर। आपके ही एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कभी कई बार उठपटांग बयान दे देते हैं रामचरितमानस को लेकर, तो पीडीए यात्रा तो निकल रही है, पर क्या पिछड़ा ये भी चाहता है कि इन सब चीजों को अपमान किया जाए? देखिए, जो बातें जहां अपमानजनक है, अगर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान जो 298 सदस्यों ने मिलकर के संविधान सभा के बनाया, उसमें भी समय समय पर जो है कि संविधान संशोधन होता रहा, तो चाहे रामचरितमानस हो, चाहे मनुस्मृति हो, चाहे ऐसे धर्म ग्रंथ पराशर स्मृति हो, व्यास स्मृति हो, नारद स्मृति हो, जिसमें हमारे पिछड़े दलित बहुजन वर्ग के लोगों को अपमानित करते हुए कुछ श्लोक और चौपाइयां, दोहे, छंद लिखे गए हैं, उसका भी संशोधन उसी तरह होना चाहिए जैसे समय समय पर संविधान में संशोधन किया गया है। आप समझिए, यहाँ पर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, पहले ये आप देखिए तस्वीर। यहाँ पर तमाम साइकिलें खड़ी हैं, यहाँ पर टी शर्ट्स, यहाँ पर आप देखिए इन टी शर्ट, जरा मुड़िएगा, ये क्या है? ये पीडीए यात्रा है। अच्छा, इनका पूरा ये सब दिया गया विवरण, पूरा पीडीए यात्रा। भाई साहब का नाम लिखा है, क्या नाम है आपका? अजय यादव। 19 साल के हैं आप? मैं दलित हूं। आप क्या हैं? गौरव पांडे। अरे नाम बताइए, दलित नाम बताइए जनाब। सुजीत कुमार है ये। सुजीत कुमार, तमाम लड़के आपको दिखेंगे, पीछे मुड़िए जरा, टी शर्ट दिखाते हैं आपको। ये समाजवादी साइकिल यात्रा लिखा हुआ है, समाजवादी लोहिया वाहिनी लिखा हुआ है, और अखिलेश की तस्वीर बनी हुई है। ऊपर भी एक जनाब है जो ऊपर चढ़ गए हैं, एकदम अक्षय कुमार की तरह स्टंट करने के मूड में लग रहे हैं। ऊपर देखिए साइकिल पे चढ़े हैं, और अब यहाँ से यात्रा जो है वो हो रही है। हाँ बताइए। पिछड़े दलितों से बुला रहे थे और मुसलमानों के सम्मान में समाजवादी पार्टी मैदान में। और आपको एक चीज अभी किसी ने नहीं बताया होगा, चूहा घोटाला। बीजेपी सरकार ने एक चूहा घोटाला भी किया है और 70 लाख रुपए खर्च करके 169 चूहे पकड़े गए। या लिए हुए। ये देश की आवाज लो। ये है इनके मुख्य मुद्दे, पीडीए यात्रा, लोगों की आवाज लेके सुनो। पीडीए, समाजवादी पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम यात्रा है।
ये जो इस देश के युवाओं को बेरोजगार है, जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, ये शोषित वंचित सबकी ये लड़ाई लड़ने इस देश इस समाजवादी नौजवानों बोलना चाह रहे हैं सर। बोलिए सरकार देश। हम लोग 83 दिन से लगातार इलाहाबाद से साइकिल चला के हम लोग आज लखनऊ पहुंचे हैं। समाजवादी पीढ़ी साइकिल यात्रा जो दलितों पिछड़ों शोषितों वंचितों किसानों नौजवानों गांव गरीब गुरबत में रहने वाले जिनको समानता और अधिकार नहीं मिला उनके लिए हम सड़कों पर करीब 83 दिन से चलकर हम उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। बीजेपी तो कह रही है कि भाई सब सबके लिए काम हो रहा है, सबका साथ सबका। ये भाजपा का झूठा और कोरा वादा है। भारत सरकार में 89 सचिव है और उसमें एक भी ओबीसी का सचिव नहीं है, दो दलित है खाली। उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए, नियुक्तियां देख लीजिए, केशव मौर्य खुद ही है। उत्तर प्रदेश में योगी जी बता दें कोई ऐसी नियुक्ति हुई हो जिसमें रिजर्वेशन पॉलिसी का पालन हुआ हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, सब में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का शोषण कर रही है सरकार, शोषण कर रही है छात्रों के साथ में। 2018 का वीडियो रिजल्ट आज भी सस्पेंड में, साथियों को भी तो बोल, ये छात्रों की आवाज जो है दबाने का काम करते हैं। अगर हम यूनिवर्सिटियों में फीस बढ़ा दी जाती है, अगर मैं बैठता हूँ तो हमारे ऊपर लाठी बरसाने का काम और हवालात के अंडर। कहाँ लाठी चली? हाँ लाठी चली आप? अरे हमारे बूढ़नपुर कोयलसा आजमगढ़ में देखिए, आजम खान साहब की तस्वीरें भी आप यहाँ देखिए। केवल मुद्दा पीडीए का ही नहीं है, आजम खान साहब की तस्वीर है और पार्टी का कहना है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनको झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। कि जो रूलिंग पार्टी बीजेपी है उसका कहना है कि जब सपा की सरकार थी तो केवल गुंडागर्दी थी और हमारी सरकार में न्याय हो रहा है, कानून का पालन हो रहा है और इसके साथ साथ अखिलेश की साइकिल यात्रा आज निकल रही है। इसमें मैसेज सिर्फ एक है, समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर आगे बढ़ रही है और अखिलेश का कहना है कि दिल्ली की सियासत यूपी से ही होकर जाएगी। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ यूपी तक।